अपने आठवें पुत्र के लिए बिलख गई है, क्योंकि उसके चारों ओर कारागृह और कंस के अत्याचारों का अंधकार है, और उसके हृदय का चंद्रमा उससे दूर यमुना पार निकला हुआ है। परंतु तो चंद्रमा तो चंद्रमा है, जब उसे निकलना होता है तब वो निकल ही आता है। यदि आकाश के किसी टुकड़े पर बादल हो तो दिखाई नहीं देता, परंतु होता अवश्य है। मथुरा के आकाश पर काले बादल है तो देवकी का चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु नंदगांव पर बादल नहीं है तो देवकी का चंद्रमा यशोदा की गोदी में निकला हुआ है, यशोदा की आंखों में निकला हुआ है, यशोदा के घर के पालने में निकला हुआ है, और यशोदा ससनों की डोरी हिला हिला कर उसे सुला रही है।
रक्षा कर रहा है कंस। आठवां पुत्र तेरा काल होगा। सामने क्यों नहीं आता? कौन सी मायावी शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है? कौन है जो कंस से शत्रुता मोल लेना चाहता है? कौन है जिसे अपने प्राणों का भय नहीं? कैसी विडंबना है कि महाबली कंस से बालक से भयभीत है, परंतु मैं अपने भय पर विजय अवश्य पाऊंगा। मैं अपने काल पर विजय अवश्य पाऊंगा। मेरा काल जहां भी होगा मैं उसका विनाश कर दूंगा, उसका सर्वनाश कर दूंगा। दूर रहो मुझसे।